तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देखिए टेक्निकल भगत सिंह। दोस्तों आज छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं अभी, तो जैसा कि वापस रिवॉल्ट आ गई और बहुत जैसे कि मैंने कहा 5,000-10,000 किलोमीटर के आसपास होगी, तो मैं आपको वापस बताऊंगा कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है और हम इसके मालिक से भी बात करेंगे भाई कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो वो भी आपको बताएंगे। अभी गाड़ी 6,000 के आसपास कुछ चल चुकी है रिवॉल्ट जो बता दूँ आपको। चलिए डिस्प्ले की तरफ देखते पहले आपको, ये यहाँ पे देखिए अभी 6,000 किलोमीटर, जैसे कि पहले शुरुआत में आई थी तब 6,690 तो यहाँ पे इसका किलोमीटर हो चुका है टोटली पूरा कंप्लीट सेट दोस्तों। तो देखिए अभी चमक वैसे भी रही है, हमने कुछ वॉश वॉश नहीं किया, आप देख सकते टायर के हिसाब से देख सकते कि भाई हमने कुछ ऐसा सर्विस वर्विस नहीं किया, कुछ गाड़ी जैसी थी वैसी है। अभी चला के भी देख लेते परफॉर्मेंस वैसी ही है, कुछ के या चेंज आए हैं तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं, अलग अलग दोनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। लुक वाइज ज़बरदस्त, सभी का सपोर्ट अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले और लाइक कमेंट मज़ा आया दोस्तों। तो थोड़ा सा अभी इस वाले वीडियो में भी थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी 97% बैटरी है, चार्जिंग अभी फुल सेट है, 30 डिग्री कुछ सेल्सियस बता रहे हैं अभी वो, और अभी चलते शुरू करते हैं। और सेकेंड में अभी यूज़ कर रहा हूँ तो थर्ड सेट भी यूज़ करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं काफ़ी तेज़ और लाउड सेट आवाज़ होती है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में चलाई थी वैसा ही कुछ लोगों को मिल रहा है, सेम ही है, कुछ डिफरेंट सा नहीं है। आगे कुछ लोग आ गए हैं, हाँ कैमरा से शूट कर रहे हैं भाई, अलग अलग तरह से लोग अभी देखने को मिल रहे हैं। शाम का टाइम है तो अभी सेकेंड में अभी मैंने यूज़ की और अभी थर्ड लगा देते कि कुछ परफॉर्मेंस में चेंज नहीं आया, वही का वही है। और जैसे स्पीड वाइज और लुक वाइज कुछ ही सेकेंड में दोस्तों काफ़ी तेज़ और बहुत ही पास आ गए थे हम, तो देखिए और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त रही है। तो अभी चलिए दोस्तों हम इसके मालिक से बात कर देते हैं। ये इसकी बाइक है, वो ओला मेरी है, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं और दोनों के पास अलग अलग बाइक है। इसने स्पोर्ट्स ली क्योंकि इसको थोड़ा लुक वाइज कॉलेज में अभी जाता है तो उसके हिसाब से लुक वाइज थोड़ा स्पोर्ट्स लुक चाहिए था, इसलिए इसने स्पोर्ट्स लुक चॉइस किया। अभी देखिए टायर अभी 6,000 किलोमीटर पूरे हो गए, टायर अभी देखो वैसे कि वैसे ब्रांड न्यू, कुछ भी चेंजेस नहीं, ये नॉर्मली साफ किया है, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि भाई हमने अभी साफ करके, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए और पूरा लुक कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, और जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था वैसा कि वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ कुछ अभी नया है तो इसमें थोड़ा लाउड वॉइस अभी नहीं मिलने देखने को मिल रहा है, RV 400 है और कलर इसने ब्लैक मंगाया था नहीं आया, वही थोड़ा इशू हो गया था। तो चलिए अभी इससे बात करते हैं। तो बताओ अभी साहिल के 6,000 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे, तो अभी किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? परफॉर्मेंस एकदम सही है, जैसे न्यू थी वैसे ही अभी परफॉर्मेंस वही है, कुछ फ़र्क नहीं आया उसमें। स्पीड में कुछ फ़र्क नहीं, और वॉइस कुछ चेंजेस ज़्यादातर सभी का होता है कि चेंज के भाई वॉइस चेंज हो गई, ज़्यादा चलने के बाद वॉइस फट जाती है या फिर स्पीकर का कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है? वॉइस एकदम क्लियर, ओके वॉइस अभी पूरा क्लियर है। ओके तो गाइस और क्या पूछते हैं, और नॉर्मली वही जो आप चलाते हैं डेली रूटीन में किस तरह है? डेली में नॉर्मली उसे अच्छी है। कौन सा मोड ज़्यादा यूज़ होता है इसमें? फर्स्ट मोड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड का भी यूज़ बहुत किस टाइम यूज़? हाईवे पे, ओके थर्ड हाईवे पे यूज़ होता है और फर्स्ट सेकंड ज़्यादातर यूज़ होने वाला है या नॉर्मल? हाँ बाज़ार में फर्स्ट वही यूज़ होता है। ओके तो और महीने का जैसा कि आप पहले बाइक चला रहे थे साहिल जो पेट्रोल की थी और उसमें कुछ खर्चा आता था, वो पूछ रहे थे भाई कितना खर्चा कुछ क्या होता है पेट्रोल का क्या आता था और टायर वो सब, तो उसमें क्या महीने का जो लगा था कि महीने का इतना कितना चार्ज आता था उसका? पर चार्ज 18 रुपये इसका। और पेट्रोल की जो बाइक पहले यूज़ कर रहे थे आप मोपेड के जो भी हों, तो उसमें महीने का कितना पूरा होता था, महीने का कितना वो आप कह सकते कि महीने का मेरा 3,000-4,000 का कुछ आसपास, या आप कितना होता था? एक दिन का 50 और महीने का गिनो तो 1500 रुपये। ओके जो केवल कॉलेज से घर ये दो ही, ओके तो 1500 रुपये एक महीने का हुआ। और इसका एक महीने का कितना चार्ज हुआ? 600 रुपये 500 अराउंड पकड़ लो शायद, बराबर है 500 रुपये। अभी 1500 से डायरेक्ट 500 रुपये और वो भी पूरा स्पोर्ट्स लुक। और इसके पास अब पहले एक मोपेड है और थी नहीं है अभी भी, और वो ज़्यादातर अभी डेली 50 रुपये का पेट्रोल डलवाना ही पड़ता था केवल कॉलेज से घर,
बराबर, घर से कॉलेज बस इतने में 50 रुपये का पेट्रोल, 1500 रुपये का पेट्रोल के आसपास होता था। अभी इसका हो रहा है तो 500 रुपये कह रहे, 500-600 रुपये पकड़ लो, तो भी डिफरेंस आप देखिए पूरा 1000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है अभी इसमें। और लुक वाइज काफ़ी स्पोर्ट्सी लगता है, लोग आपको अलग अलग रीज़न से पूछते भी है भाई क्या है, और शायद इसमें कुछ अपडेट करने वाले हैं लेकिन अभी हुई नहीं। अपडेट में ये है कि ये सिग्नल शायद ये मुझे बोल रहे थे हुआ कि नहीं वो मालूम नहीं, अभी ये 4 सिग्नल वाला अभी चालू करने वाला है, लेकिन अभी 1, 2 और बैक साइड 3, 4 जो अभी हैं वो चालू करने वाले, लेकिन अभी हुआ नहीं क्योंकि अभी पूछने वाले कि भाई इलेक्ट्रिक में कहाँ पे बाहर से कराओ तो कुछ कटआउट में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो वो इसका एक इशू क्रिएट हो रहा है। दोस्तों जो गाड़ी 6000 अभी चल चुकी है पूरी, और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सेकंड वीडियो बनाऊंगा इसकी का ही, तो सेकंड वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब इस गाड़ी का रिव्यू आपको पूरा टोटली दिया था तभी मैंने कहा था कि सेकंड वीडियो बनाऊंगा 5000 रुपये, तो 6000 गाड़ी चली है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट और बेटर है भाजी। रुको जरा सबर करो, ये आवाज़ कर रहा है। तो 6000 किलोमीटर पूरा हो गया अभी, 10000 किलोमीटर के आसपास, 10 या 15000 के आसपास जब होगा तब मैं आपको पूरा वीडियो दूसरा बना के बताऊंगा दोस्तों कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, कुछ तरह से रहता है, कुछ डैमेज वैमेज या साउंड में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ अलग सब कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के साथ। और ओला अभी मेरी कुछ 500 के आसपास चली, उसका भी वीडियो सेकंड वीडियो बनाऊंगा और अपडेट एक आने वाला है, वो अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टोटल छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बंद रहेगा चैनल के साथ दोस्तों।